अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेंटिल ट्रेडर। माय नेम इज सुमेर एंड आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर। तो गाइस, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जान लिया है कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, और हम लोग ने टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी अपलोड किया है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोज़ कवर करके फिर ये वीडियो देखिए, क्योंकि अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे आप तो ये वीडियो समझ आने वाला नहीं है। तो गाइज, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज, ये हमारा वीडियो होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 3। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गाइज, मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, चार्ट बनता है कैंडल्स की तरफ से, मुकम्मल चार्ट बनता है कैंडल्स की मदद से। तो गाइज, जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो हम लोग कैंडल्स को देखकर ही पता लगा सकते हैं। तो कैंडल्स जो है लाइव मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ये कैंडल्स ही होती है जो हमारे इमोशंस के साथ खेलती है। ये कैंडल्स होती क्या है और कैंडल्स को किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं, और ये कैंडल्स हमें प्राइस का मूवमेंट किस तरह बताती है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी। तो गाइज, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो गाइज, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो गाइज, आपको वीडियो में आगे जाने से पहले ये बात पता होना ज़रूरी है, वॉट इज़ कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। तो गाइज, सिंपली कैंडलस्टिक पैटर्न ये है कि पिछली मार्केट के मूव्स को देखकर कुछ कैंडल के पैटर्न्स को निकाला गया, मतलब कुछ कैंडल्स को हमने आइडेंटिफाई किया, अगर चार्ट पर नज़र आई तो वहाँ से मार्केट कुछ रिएक्ट कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ गया, तो वहाँ से मार्केट नीचे होने के चांसेस है, नीचे की तरफ प्राइस मूव होने के चांसेस है। तो गाइज, इस तरह से हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख कर हम लोग समझ सकते हैं कि प्राइस का अगला मूवमेंट क्या होने वाला है। तो गाइज, चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी टू टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट होता है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और सेकंड वन होता है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो गाइज, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसे समझते हैं। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट के सपोर्ट के पास बनता है, प्राइस के सपोर्ट के पास बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ से गिर रहा था, मार्केट यहाँ से प्राइस इस तरह से नीचे गिर रहा था और यहाँ पर आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ गया, तो हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकता है, मतलब यहाँ से प्राइस हमें मूव होने के चांसेस यहाँ से है। तो गाइज, ये जो भी स्ट्रैटेजी इसके अंदर वर्क करती है ट्रेडिंग के अंदर, ये 100% नहीं होती है, 90% आप पकड़ के चल सकते हैं, बट ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो गाइज, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो गाइज, बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी बहुत तरह के कैंडल्स होती हैं, बट हम लोग इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक जो डेली यूजेज में हमको काम आने वाली है उनके बारे में बात करेंगे। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट कैंडल है वो होने वाली है हैमर कैंडल। तो गाइज, फॉर एग्जांपल, यहाँ से मार्केट का प्राइस गिर रहा था और ये एक सपोर्ट के पास हैमर कैंडल बनती हुई नज़र आई, तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट फिर ऊपर, मतलब रिवर्स हो सकता है, मतलब प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। तो गाइज, इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं, एक हैमर कैंडल इस तरह से होती है। तो गाइज, आपको डीपली एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लाइव चार्ट पे लेकर जाता हूँ। तो हम लोग खोल लेते हैं अभी ब्राउज़र और हम लोग निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे। सी गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। तो यहाँ पर आप, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था और इसी तरह यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो मार्केट ने प्राइस नीचे आया और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया। तो इससे हमें ये कन्फर्म होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो गाइज, इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है। तो इसके अंदर हमें हैमर कैंडल जो है बहुत हेल्प कर सकती है। इसी तरह मैं आपको और भी एग्जांपल बताता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट था और हैमर कैंडल, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी और इसके बाद जो है प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पर हैमर कैंडल सपोर्ट के पास अगर हैमर कैंडल बनती है तो वहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है, मतलब ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है, इसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गाइज, हमारा जो सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न है
वो है इन्वर्टेड हैमर। मतलब गाइज, इससे पहले आपने देखा था कि एक हैमर की तरह दिखने वाली कैंडल थी, तो इसका एकदम अपोजिट होने वाला है ये इन्वर्टेड हैमर। मतलब जहाँ पर आपको चार्ट के सपोर्ट के पास, जहाँ पर आपको एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर बनती भी दिखेगी, तो वहाँ से भी मार्केट का प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है। जिस तरह से हैमर के थे, उसी तरह से ये इन्वर्टेड कैंडल, इन्वर्टेड हैमर भी अगर सपोर्ट के पास बनती है, मतलब प्राइस नीचे गिर रहा था और एक वहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर बनती भी नज़र आई, तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। तो चलिए इसे हम चार्ट पर समझते हैं। तो गाइस, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड कैंडल बनी और उसके बाद प्राइस किस तरह से मूव हो गया ऊपर की तरफ। तो गाइस, इस तरह से हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ करके प्राइस का नेक्स्ट एक्शन क्या है पता लगा सकते हैं। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न होने वाला है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइस, ये भी उसी तरह जिस तरह हर बुलिश कैंडल सपोर्ट के पास बनती है, तो उसी तरह ये भी एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है जो सपोर्ट की तरफ बनता है, और इसके बनने पर मार्केट रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो गाइस, जब मार्केट नीचे गिर रही होती है और अगर यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको बनता हुआ नज़र आएगा, तो वहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है। तो चलिए इसे हम चार्ट पर देखते हैं। सी दिस गाइस, यहाँ पे एक सपोर्ट के पास ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी और यहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो गया। यहाँ से नीचे गिर रहा था और जैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो गाइस देखिए, गाइस कितना कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो हम लोग इनको अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से अगर हम इनको सीख पाएंगे, तो हम लोग ट्रेडिंग में भी सक्सेस हो सकते हैं। तो गाइस, आप लोग देखिए, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, फिर मार्केट किस तरह से मूव लिया, कितना बड़ा मूव आया। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न होने वाला है बुलिश स्पिनिंग टॉप। मतलब गाइस, आप लोग टॉप को तो देखे होंगे, जो हम लोग हिंदी में लट्टू कहते हैं, जिसे जो इस तरह से घूमता रहता है, तो उसके स्ट्रक्चर में ये नज़र आएगा। तो गाइस, इसका भी ये भी वही काम करता है कि जैसे सपोर्ट के पास अगर मार्केट का प्राइस गिर रहा हो और सपोर्ट के पास अगर आपने देख लिया कि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन रहा है, तो वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव होने के चांसेस है। मतलब ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। सपोर्ट के पास आपको सपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप रेजिस्टेंस की तरफ देखते हैं, तो वो एक कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनेगी। तो गाइज, आपको ये देखना है कि सपोर्ट के पास अगर स्पिनिंग टॉप बन रहा है, तो वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। जिस तरह से हर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न का प्राइस ऊपर की तरफ मूव होता है, उसी तरह इसका भी प्राइस मूव हो सकता है। तो गाइज, चलिए समझते हैं हम चार्ट के ऊपर इसे भी। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना, फिर यहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर की तरफ चले गया। तो गाइज, इसी तरह बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी है, आपको सपोर्ट, एक सपोर्ट फाइंड करना है, और वहाँ पे आपको अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आप लोग कॉल की तरफ, कॉल बाई करके जा सकते हैं आप। मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है, ये आपको नज़र आएगा। तो गाइज, ये तो कैंडल स्टिक पैटर्न का 100% जो है स्ट्रैटेजी नहीं होता, ये 90% हम लोग मान के चल सकते हैं, 90% एक्यूरेट होता है। तो गाइज, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे आपको चार्ट के भी आपको मैंने बताए हैं। तो आप लोग और भी अगर आप बैक टेस्ट करके आप चार्ट के अंदर देखेंगे, तो बहुत सारे नज़र आएंगे गाइज, बहुत सारे। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना और मार्केट ऊपर की तरफ। तो गाइज, इस तरह के हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइज, ये थे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। अब हमें समझना है बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो गाइज, होपफुली आप लोग बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। तो गाइज, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर हम ये देखते हैं कि सपोर्ट के पास कोई अगर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो गाइज, इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हमें एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के पास जब लाइव मार्केट के अंदर आपको एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न जब बनता हुआ दिखेगा, तो वहाँ से मार्केट नीचे होने के चांसेस है, मतलब प्राइस फॉल होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल, प्राइस यहाँ से आपको ऊपर जा रहा था और यहाँ पे आपने एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न को फाइंड किया, तो यहाँ से प्राइस नीचे जाने के चांसेस है। इसी को हम बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होता है कि सपोर्ट के पास से आपको मार्केट ऊपर जाने का इंडिकेशन देगा। इसी तरह बेयरिश कैंडल के अंदर क्या होगा कि हमको मार्केट नीचे जाने का, मतलब प्राइस नीचे जाने का हमको इंडिकेशन मिलेगा बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न से।
तो गाइस हमारे टॉपिक में जो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, वो है हैंगिंग मैन। मतलब ये आपको कुछ हैंगिंग मैन की तरह, मतलब जैसे कि कोई आदमी हाथ फैला कर खड़ा हो, इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। तो इसे हम हैंगिंग मैन का नाम देते हैं। तो ये एक बियरिश कैंडल है, बियरिश प्राइस मूवमेंट का हमको इंडिकेशन देता है। तो गाइस जहाँ पर ये रेजिस्टेंस के पास जब भी मार्केट प्राइस मूव होता रहेगा, तो अगर आपको ये कैंडल अगर चार्ट के टॉप पर नज़र आएगी, तो वहाँ से प्राइस नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो गाइज आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ भी ये कैंडल, मतलब रेजिस्टेंस के पास जब भी ये कैंडल बनेगा, तो वहाँ से मार्केट फॉल ले सकता है। तो गाइज ये कोई 100% वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है। तो ये 90% एक्यूरेसी के साथ काम करता है, 100% तो हम इसे नहीं बोल सकते। तो गाइज चलिए हम चार्ट के ऊपर समझते हैं ये हैंगिंग मैन कैसा होता है। तो गाइज देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के पास हमें एक बेरिश कैंडल बनती हुई नज़र आई, हैंगिंग मैन, और यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ एकदम से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप बैक टेस्ट करके ज़रूर देख सकते हैं। आप अगर चार्ट खोल के देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। और ये मैं बता, मेरा तो सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर किस तरह होता है ये बताना है। आपका ये होमवर्क होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स देखो, और चार्ट्स देख के अपनी एनालिसिस देखो कि वहाँ से ये एक्चुअल में काम करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब आप लोग कितने ट्रेड्स इसके भरोसे पे ले सकते हो। ये सब लोग, ये सब आप अपने खुद से आप लोग एक बार, एक मरतबा बैक टेस्ट करके ज़रूर देखिए। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के पास। तो गाइज हमारा नेक्स्ट जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, वो है शूटिंग स्टार। तो गाइज शूटिंग स्टार भी एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। मतलब आपको इस कैंडल को देख के ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट में बेयरिश मोमेंटम ज़्यादा है। मतलब अभी यहाँ से प्राइस बढ़ रहा था, और आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का कैंडल बना है। तो मतलब यहाँ से प्राइस, एक्चुअल में यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, फिर यहाँ से ये एकदम से इतनी ऊपर जाके फिर यहाँ से एकदम नीचे गिरा। मतलब यहाँ से सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग ये जो विक देख सकते हैं, इसको हम विक बोलते हैं। तो ये जो जो विक है, इसको आप देख कर ये समझ सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, फिर जो है सो यहाँ तक ट्रैवल किया प्राइस ने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 100 रुपीज़ प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे 110 हुआ, यहाँ पे 200 तक गया, 200 तक जाके फिर जो है 110 के पास प्राइस ड्रॉप होके 110 के पास कैंडल ने क्लोज किया। तो गैस इसे देख के आपको ये पता लगता है कि मार्केट के अंदर सेलर्स बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से प्राइस गिर सकता है। तो हम लोग इस शूटिंग स्टार को देखकर ये समझ सकते हैं, अगर कोई भी रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई नज़र आई, तो वहाँ से मार्केट का प्राइस रिवर्स होने के चांसेस है, मतलब नीचे गिरने के चांसेस है, क्योंकि ये एक बेयरिश कैंडल है। तो चलिए हम अभी चार्ट के ऊपर देखते हैं शूटिंग स्टार किस तरह काम करता है। तो गैस जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आया। फिर उसके बाद मार्केट ने कितना बड़ा मूव लिया आप देख सकते हैं, देखिए गैस। तो गैस इस तरह हम लोग जो है आगे का मार्केट का प्राइस किस तरह एक्ट करने वाला है, ये हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखकर समझकर हम लोग अगर लाइव मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हुए देखेंगे, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम लोग एंट्री ले लेंगे, तो यहाँ से हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट करके बाहर मार्केट से निकल सकते हैं। तो गाइज ये आपको बैक टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनको समझने के लिए आपको पिछली मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स है उसे देखकर आपको समझना चाहिए कि ये कितना एक्यूरेट है और ये कितने हद तक काम कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आप लोग शूटिंग स्टार को भी समझ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। तो गाइज हमारा अगला बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है बियरिश स्पिनिंग टॉप। तो गैस बियरिश स्पिनिंग टॉप भी एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये तो उसके नाम से ही पता चल रहा है, बियरिश इसका नाम है। तो गैस जब भी ये भी जहाँ भी रेजिस्टेंस के पास आपको ये बनता हुआ नज़र आएगा, सिंपल सा फंडा है गैस, कुछ भी आपको ज़्यादा अपने माइंड पे स्ट्रेस करना नहीं है, ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं है, बस ये आपको समझना है कि जहाँ भी मतलब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब सपोर्ट के पास जब भी कोई बुलिश कैंडल बनती है, तो मार्केट वहाँ से प्राइस वहाँ से मूव होने के चांसेस है ऊपर की तरफ। उसी तरह जहाँ भी रेजिस्टेंस के पास ये कैंडल्स बनती हैं बेरिश कैंडल्स, तो वहाँ से प्राइस नीचे गिरने के चांसेस है। ये आपको बस दिमाग में रखना है, और
कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, बट मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर नज़र आते हैं, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी ये बियरिश स्पिनिंग टॉप बनता है रेजिस्टेंस के पास, तो वहाँ से प्राइस नीचे गिरने का चांसेस होते हैं। तो हम इसे भी एक बार चार्ट पर आप देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना। फिर उसके बाद मार्केट ने कुछ इस तरह से रिएक्ट किया, मतलब यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ। तो गाइस आप लोग, आपको ये देखकर समझ आ रहा होगा कि गाइस जहाँ भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, वहाँ पर 90%, मतलब मार्केट 100% नहीं, 90% वहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बेकार चीज़ है और इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये 100% आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाइस मार्केट जो प्राइस बनता है, वो इन कैंडल्स के हिसाब से ही प्राइस बनता है। मतलब आपको इन कैंडल्स को देखकर समझना है कि प्राइस क्या किस तरफ मूव लेने वाला है। तो गाइस देखिए, इस वीक को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि प्राइस जो है इतनी ऊपर जाके फिर नीचे गिरा, इसका मतलब बेरिश मोमेंटम ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर भी एक वीक बनी बड़ी सी, यहाँ पर भी एक बड़ी वीक बनी, यहाँ पर भी एक बड़ी वीक बनी। तो इस तरह से हम लोग देखकर मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो गाइज इससे हमारी मार्केट एनालिसिस, जो मार्केट का एनालिसिस है, हम उसे आसानी से समझ सकते हैं कि मार्केट क्या, नेक्स्ट मोमेंट मार्केट का क्या होने वाला है, अपसाइड होने वाला है या फिर डाउनसाइड होने वाला है। यह हम लोग इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखकर, चार्ट पैटर्न्स जो आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट किधर होने वाला है। तो हम लोग 10 ट्रेड्स में से 5 ट्रेड्स भी अगर इस मूवमेंट्स को हम कैप्चर कर लेंगे, तो हम लोग 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट बनाकर इस मार्केट से निकल सकते हैं। तो गाइस चलिए, आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि बेयरिश स्पिनिंग टॉप किस तरह होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। तो गाइस जो हमारा अगला बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है, वो है ग्रेवस्टोन डोजी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सेलर प्रेशर है। तो गाइस इस वीक को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट ने कितना बड़ा फॉल लिया है। मतलब यहाँ तक मार्केट प्राइस, यहाँ से मार्केट का प्राइस यहाँ से ट्रैवल करता हुआ ऊपर तक गया, फिर यहाँ से सेलर्स हावी हो गए और यहाँ से प्राइस नीचे गिर के कैंडल को यहाँ पर क्लोज होना पड़ा। तो गाइज आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में सेलर्स प्रेशर कितना है। तो गाइज सेम वही पैटर्न को फॉलो करते हुए, जहाँ भी आपको ये रेजिस्टेंस के पास बनती हुई नज़र आए, तो आप लोग जो है पुट की तरफ जा सकते हैं, पुट को खरीद सकते हैं। जहाँ भी ये रेजिस्टेंस के पास कैंडल बनी है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है एज यूजल। तो गाइज हम लोग इसे भी एक मरतबा चार्ट पर देख लेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ आएगा। तो गैस जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास ग्रेवस्टोन डोजी बनी है और यहाँ से मार्केट ने किस तरह मूव लिया आप देख सकते हैं। तो गैस इसी तरह आप लोग ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स की मदद से आप लोग अपना प्राइस का नेक्स्ट मूवमेंट पता कर सकते हैं, मार्केट में नेक्स्ट क्या, मार्केट कौन सा स्टेप लेने वाली है ये पता लगा सकते हैं। गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के भरोसे पे ही आप लोग ट्रेड ले सके। तो गाइज आप लोग को चाहिए कि आप एक 100% अच्छी तरह से आप लोग एक एनालिसिस करें, अपने मार्केट की बैक टेस्टिंग करें। तो गाइज ये जो भी आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख रहे हैं, ये पास्ट में गुजरे हुए हैं। ये मूव जो भी है, ये यहाँ पे डोजी बनी और यहाँ पे मार्केट, ये कोई मतलब ये हवा की बातें नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं लाइव, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करती है। इतना भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको बस इनके ही बेसिस पे ट्रेड लेना चाहिए, अपनी एनालिसिस के अंदर इनको भी आप लोग इन्वॉल्व करके आप अपनी एनालिसिस को 100% श्योर बना सकते हैं। तो गाइज आज के टॉपिक में बस इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया कि किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनती हैं। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट हमारे वीडियो में आपको चार्ट पैटर्न्स भी समझाएंगे कि किस तरह आपको चार्ट को देख कर एनालिसिस करना चाहिए। तो गाइज मैंने पहले इसलिए ये टॉपिक कवर किया है क्योंकि चार्ट बनता ही कैंडल्स से है। तो गाइज आपको पहले कैंडल्स के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन कैंडल्स को जोड़कर एक चार्ट बनता है। तो गाइज जितना मुझसे हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और आपको ये अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट बताइए, ताकि आप लोग तक हम लोग इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ज़्यादा ला सके। क्योंकि गाइज ट्रेडिंग कोई ईजी काम नहीं है,
जिसे आप मतलब सीख कर कर सको। अभी आपको ये तो अभी बेसिक्स है, अभी यहाँ से आपका बहुत सफ़र अभी बाकी है। आप लोग अभी बहुत सीखना, बहुत ज़्यादा समझना, मतलब बहुत बैक टेस्टिंग, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस अभी बाकी है। क्योंकि इतने से ही अगर कोई ट्रेडिंग कर लेता तो छोटे से छोटे बच्चे भी अभी पैसे कमा रहे होते। आप लोग अपनी जितना प्रैक्टिस करोगे, आप लोग जितना हार्डवर्क करोगे, उतना आप अर्न कर सकते हैं इस ट्रेडिंग के अंदर। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।